17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से होगा। रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को नामांकन दाखिल किया। इससे पहले विंध्य से श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे। अभी तक विधानसभा के कार्यकाल में कितने विधानसभा अध्यक्ष रहे और कैसी होगी गिरीश गौतम की जिम्मेदारी, इसी पर पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 17 साल बाद विंध्य से मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष होगा। 22 फरवरी से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया। गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। इस दौरान गौतम ने कहा, बीजेपी ने विंध्य का हमेशा से सम्मान किया है, विधायकों के हितों की रक्षा करना पहली प्राथमिकता होगी, विंध्य को हमेशा सम्मान मिलता रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं गिरीश गौतम के राजनैतिक जीवन पर। प्राथमिकता मैंने बताया, एक तो जो मेरे ऊपर विश्वास हमारे संगठन ने हमारे मुख्यमंत्री ने किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विधानसभा में माननीय सदस्यों के हितों अधिकारों की सुरक्षा करने का काम कि हमारे वरिष्ठ विधायक लोकप्रिय नेता संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का और विंध्य की जनता का स्नेह प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। गिरीश गौतम 2003 में पहली बार बने विधायक। 1972 से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। 1977 से लगातार किसानों एवं मजदूरों के लिए संघर्ष किया। विधानसभा की लोक लेखा महिला एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं गृह तथा शिक्षा विभाग के सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। 2008 में दूसरी बार विधायक बने। प्राकलन विशेष अधिकार सार्वजनिक उपकरण समितियों के सभापति भी रहे। 2013 में तीसरी बार विधायक बने। 2018 में वे चौथी बार चुनाव जीत कर विधायक बने। गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। एक नजर अभी तक के विधानसभा अध्यक्ष पर।
17 साल बाद एक बार फिर विंध के खाते में विधानसभा अध्यक्ष का पद है। विंध के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 9 साल 352 दिन विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनका 2 बार का कार्यकाल दिग्विजय सरकार के दौरान 24 सितंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक रहा। गिरीश गौतम को ये पद मिलना कई मायनों में खास है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।